Hey guys, how are you all? Welcome to my channel. I'm Sagri and I'm back with some new tips and tricks for you. तो आज मैं आप सभी के favorite topic के बारे में बात करने वाली हूँ, वो है lipstick. I just love them. मेरे पास इतना बड़ा collection है lipstick का और मुझे काफी सारी knowledge भी है, काफी सारी brands की मैं promotion भी करती रहती हूँ, तो मुझे पता है कि कौन सी brand कैसी lipstick बना रही हो. और मेरी current favorites red lipstick कौन सी है उसी के बारे में मैं इस वीडियो में आज बात करने वाली हूँ. ना कोई भी शादी में हमें जाना हो, lazy makeup day हो ना, सिर्फ red lipstick आप लगा लीजिए. सीरियसली मतलब आप पार्टी की जान बन सकते हैं. मैंने कई बार ये नुस्खा ट्राई किया है. रेड लिपस्टिक है ना, कैन मेक एंड ब्रेक योर लुक. और वैसे भी कल वैलेंटाइंस डे है और आज किस डे है, तो मैंने सोचा ये परफेक्ट टाइम होने वाला है इस वीडियो को बनाने के लिए. तो आइए जानते हैं मेरी कुछ करंट फेवरेट रेड लिपस्टिक. गाइज, इस वैलेंटाइन डे के अमेजिंग ओकेजन पे जूप की तरफ से मुझे ये प्यारा सा गिफ्ट भी भेजा गया है. हम इसके बारे में बात करेंगे. क्यूट सा स्लिंग बैग जूप, एक जो वीगन ब्रांड है और इंडियन ब्रांड है, इसके बारे में बात करेंगे. पहले हम जान लेते हैं सारे अमेजिंग रेड लिपस्टिक के शेड्स. जब रेड लिपस्टिक की बात करते हैं ना, तो मेरे दिमाग में सबसे पहले जो आता है ना, वो आता है मैक का रूबी वू, जो मेरा ऑल टाइम फेवरेट है. एंड इट्स बीन लाइक 6-7 इयर्स की ये लिपस्टिक है ना, इसके बिना मैं रह नहीं सकती हूँ, ये हमेशा आपको मेरे पास मिलेगा. ये देखते हैं इसका अमेजिंग शेड, ये है मैक का रूबी वू. और ये शेड बहुत ही अमेजिंग है रेड का. एंड यू नो, अगर आप इंडियन वेयर पहनते हैं या फिर आपको रेड बहुत पसंद है ना, तो ये रूबी वो मैक का नहीं है, तो आप पक्का बाय कर लीजिए. क्योंकि ये जो आपको सेटिस्फेक्शन देगा ना रेड का कलर, कोई और दूसरा नहीं देने वाला. ये मेरा ऑल टाइम फेवरेट है, तो मैं इसको इसलिए फर्स्ट इन द लिस्ट भी रख रही हूँ, मैक रूबी वू. इसकी प्राइस रेंज भी मैं आपको बता देती हूँ. लाइक अगर आप बड़ा वाला इसका पैक खरीदते हैं, दैट इज फॉर 1950, एंड ये मिनी है, दैट इज फॉर 1250. तो इट्स योर चॉइस कि आपको कौन सा वाला प्रेफर करना है. मैं छोटा इसलिए बाय करती हूँ कि लिपस्टिक है ना बहुत ज्यादा सालों तक चलती है, खत्म नहीं होती बहुत ईजिली. तो डेफिनेटली अगर मैं बड़ा बाय करती हूँ तो वो आराम से मेरी 1.5-2 साल तक भी चल जाती है. तो मैंने सोचा छोटा ही बाय करती हूँ, ये भी मेरी 1 ईयर तक आराम से चल जाएगी. माय फर्स्ट फेवरेट इज रूबी वू फ्रॉम मैक. सो आइए चलते हैं मेरी सेकेंड फेवरेट रेड लिपस्टिक की ओर, जो कि है शुगर का टैन फैन. इसका नंबर है 03. इट्स अ लिक्विड मैट लिपस्टिक. इसकी सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है ना, इसे अगर मैं सुबह लगा लूँ ना, ये शाम तक वैसी की वैसी ही रहती है, बिल्कुल भी नहीं निकलती. एंड मैंने अभी एक्चुअली यही वाला शेड लगा रखा है, आप देख सकते हैं. अभी मुझे ये लिपस्टिक बहुत ज़्यादा पसंद है और इसका जो शेड है ना, बहुत ही अच्छा अमेजिंग शेड है रेड का. और मुझे ना डिफरेंट डिफरेंट रेड के शेड्स ट्राई करना बहुत पसंद है, तो शुगर का ये ना बहुत ही डिफरेंट है सभी रेड से, तो ये मेरा बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है. तो शुगर का टैन फैन नंबर 2 पे है फॉर मी. ये वाली लिपस्टिक जो है, इट कॉस्ट यू अराउंड ₹499. तो प्राइस वाइज भी इट्स वेरी गुड एंड रिजल्ट्स भी आप देख रहे हैं कितने अमेजिंग हैं. तो आप कोई अच्छी रेड लिपस्टिक ढूंढ रहे हैं, तो डेफिनेटली आप शुगर की ये लिक्विड मैट लिपस्टिक ट्राई कर सकते हैं. सो लेट्स गो हेड टुवर्ड्स माय थर्ड फेवरेट. और ये ब्रांड है ना अभी काफी टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है, दैट इज बेलोरा पेरिस. और ट्रस्ट मी, मैं भी इसकी लिपस्टिक यूज कर रही हूँ एंड रिजल्ट्स आर अमेजिंग. इसकी भी मैं इसलिए फैन हूँ क्योंकि ये भी लिपस्टिक अगर आप सुबह से शाम तक लगा लो, ये बिल्कुल भी नहीं निकलती. और जो इसका टिंट आता है ना, जो शेड आता है ना, दैट इज ट्रूली अमेजिंग. तो मेरा बेलोरा पेरिस में जो फेवरेट शेड है, दैट इज रॉक इज 02. ये बहुत ही अमेजिंग रेड का शेड है और ये थोड़ा सा डार्क है, मैं कह सकती हूँ थोड़ा सा मरूनिश रेड आप इसे कह सकते हैं रॉक इज को. ये लिपस्टिक मेरी काफी टाइम से चल रही है, मतलब 6 मंथ्स हो गए हैं और अभी तक बिल्कुल सूखी नहीं है. कई बार लिक्विड मैट लिपस्टिक ना बहुत जल्दी ड्राई हो जाती है, तो ये बिल्कुल भी ड्राई नहीं हुए और नॉन ट्रांसफरेबल है, इधर से उधर ट्रांसफर नहीं होती. बिल्कुल एक बार लगा लो तो सुबह से शाम देखने की जरूरत नहीं पड़ती. तो और क्या चाहिए आपको लिपस्टिक में. और ये कुछ भी पेड प्रमोशन नहीं है, मैं जो भी सारे आपको बता रही हूँ सिर्फ अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ. मुझे किसी भी ब्रांड ने कोई भी पैसा नहीं दिया है लिपस्टिक के कि मैं उनकी तारीफ करूँ, मेरे सबके पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ. तो मेरी थर्ड फेवरेट है बेलोरा पेरिस की रॉ किस नंबर 02 लिपस्टिक इन रेड लिपस्टिक कलेक्शन. बट दिस इज ऑल्सो वेरी मच प्राइस फ्रेंडली. इसकी जो MRP है, दैट इज 499. एंड समटाइम्स इसे सेल चलती रहती है काफी बारी, तो आपको ₹349 तक में ये लिपस्टिक मिल जाती है. मतलब मैंने तो हमेशा सेल में से ही मुझे मिली है, तो 349 में ही लिए मैंने मैक्सिमम टाइम. और आप भी देखेंगे आपको सेल मिल ही जाएगी. तो बेलोरा पेरिस की लिपस्टिक बहुत ही प्राइस फ्रेंडली भी है और रिजल्ट्स भी काफी अच्छे हैं. नेक्स्ट जो ब्रांड है वो है फेसेस कैनेडा. आई डोंट नो कि ये ब्रांड के बारे में इतनी बात क्यों नहीं होती, बट मुझे ये ब्रांड सच में बहुत पसंद है, इसकी लिपस्टिक बहुत पसंद है. मेरे पास इसकी 2-2 रेड लिपस्टिक है और दोनों के शेड डिफरेंट है. एक जो आती है वो नॉर्मल लिपस्टिक वो है, और एक उसकी रेड वाली लिक्विड मैट लिपस्टिक है. तो ये वाली जो है, इसका नंबर है 04.
एंड ये वाली है बॉम्बशेल रेड और दोनों ही मेरी फेवरेट है। अगर मैं बात करूं ये वाली लिपस्टिक जो है ना, इसका जो रेड है काफी सटल शेड है रेड का। अगर आपको बहुत ज्यादा लाउड रेड नहीं पसंद है और आपको थोड़ा सा सटल शेड लेना है रेड का, तो आप ये बॉम्बशेल रेड जो है फेसेस कैनेडा का वो डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी है और आपकी एकदम ड्राई ड्राई नहीं लगते इसको लगाने के बाद। लिप्स आपको काफी अच्छा लगेगा, नरिशमेंट लगेगा इस लिपस्टिक को लगाने के बाद। एंड सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत ही ज्यादा प्राइस फ्रेंडली भी है। ये वाली जो आपको बॉम्बशेल रेड वाली लिपस्टिक है, ये सिर्फ आपको 175 रुपीज में आराम से मिल जाएगी ऑनलाइन। और ये वाली जो लिक्विड मैट लिपस्टिक है फेसेस कैनेडा की, दैट विल कॉस्ट यू अराउंड 339। तो मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छी प्राइस फ्रेंडली लिपस्टिक है। रिजल्ट्स भी काफी अच्छे हैं क्योंकि मैं इन्हें यूज कर रही हूँ, मुझे तो काफी अच्छे लगते हैं ये रेड के शेड। और ये ब्रांड को भी जरूर आपको ट्राई करना चाहिए एक बार रेड लिपस्टिक में। लिपस्टिक की बात हो या और एक ब्रांड का नाम नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि सबसे ज्यादा नॉमिनल रेंज में भी अगर अमेजिंग लिपस्टिक दे रहा है तो वो दे रहा है मेबेलिन इन न्यूयॉर्क। तो आप देख सकते हैं ये लिपस्टिक का रेड शेड, दैट इज क्रिम्सन गोल्ड, और मुझे ये शेड बहुत अमेजिंग है। आप देख सकते हैं कितना सारा खत्म भी हो चुका है क्योंकि ये मैं बहुत ज्यादा यूज करती हूँ। और ये रेड का शेड है ना, ये बहुत अमेजिंग है। मैं इसे डेली वेयर में भी पहन लेती हूँ तो ये बहुत ज्यादा लाउड नहीं लगता, ये बहुत ज्यादा नेचुरल लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो मेरा तो ये वन ऑफ दी फेवरेट शेड है। अगर मैं रेगुलर यूज के बारे में बात करूँ तो मैं इसे बहुत लगाती हूँ, कैजुअली में भी इसे लगा लेती हूँ, वेस्टर्न पे, इंडियन पे, ये सभी रूप बहुत अच्छा लगता है। और सबसे अच्छी बात ये है कि इसको लगाने के बाद लिप्स बिल्कुल भी ड्राई नहीं लगते, बहुत ज्यादा नरिश लगते हैं, बहुत ही क्रीमी टेक्सचर है इसका। तो मुझे तो ये शेड बहुत पसंद है, तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी क्योंकि इसकी प्राइस रेंज भी बहुत ही अच्छी है। वैसे इसकी ₹299 है, अगर लेकिन नायका पे देखेंगे ये 249 में आराम से आपको मिल जाएगा। तो 250 रुपये में इतनी अच्छी लिपस्टिक आपको मिल रही है, और मुझे लगता है मुझे लिपस्टिक लिए आराम से 1.5 साल हो गया होगा और ये अभी भी इतनी बची है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट है इसमें, तो आपको जरूर ये रेड का शेड ट्राई करना चाहिए। नेक्स्ट लिपस्टिक मैं आपको बताने वाली हूँ ना, उसकी मैं स्टार्टिंग ये उसकी प्राइस रेंज से करूँगी, बिकॉज ये लिपस्टिक है सिर्फ 90 रुपये की, 90 रुपीज की। ये है ब्लू हेवन की इंटेंस मैट लिपस्टिक विद द शेड हार्ट बीट 303। इतना अमेजिंग शेड है ना रेड का। ब्लू हेवन के सारे प्रोडक्ट्स मुझे नहीं पसंद, लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स मुझे मिनिमम प्राइस रेंज के बहुत ही पसंद आते होंगे, उसमें से लिपस्टिक भी है। और 90 रुपीज में रेड लिपस्टिक मिल रही है, वो भी इतने अमेजिंग शेड के साथ, दैट इज ट्रूली अमेजिंग। तो मुझे ना इसके रेड शेड ने बहुत अमेज किया था, तो मैंने इसे भी अपने रेड लिपस्टिक के कलेक्शन में रखा हुआ है और मैं इसे कभी कभी लगाती हूँ। और रेड शेड इसका बहुत ही अच्छा है, देख सकते हैं कितना अमेजिंग रेड शेड है। तो अगर आप ज्यादा रेड लिपस्टिक पे स्पेंड नहीं करना चाहते ना, तो ये 90 रुपीज में आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है रेड लिपस्टिक का। ये थी मेरी फिफ्थ और लास्ट फेवरेट रेड की शेड की जो हम बात करे थे। तो आई होप सारे रेड के शेड आपको बहुत ज्यादा पसंद आए होंगे। मैं बात कर लेती हूँ जू की, जो कि हमारे लिए बना रहे हैं अमेजिंग बैग्स। एंड सबसे अच्छी बात ये है ना, ये जो ब्रांड है दैट इज 100% वीगन ब्रांड और साथ ही प्राउडली इंडियन है, यू नो, वोकल फॉर लोकल। और इसकी अगर मैं प्रिंट की बात करूं, मटेरियल की बात करूं, एवरीथिंग इज जस्ट अप टू द मार्क। तो आइए जानते हैं इसके और अमेजिंग फीचर्स। आई एम इन लव विद दिस ब्रांड ज़ूक बिकॉज इट्स 100% वीगन ब्रांड एंड इट्स प्राउडली इंडियन ब्रांड, यू नो, वोकल फॉर लोकल। They make laptop bags, handbags, women office bags, female wallets, mini wallets, sling bags, backpacks, footwears and scarves. Zook effortlessly defines a modern Indian classic, bringing together the contemporary and the traditional. Come, let's celebrate this amazing day of love with Zook. Valentine's with Zook. So if you're searching for the perfect gifting item for this Valentine's Day, your search will end at Zook. It is an ideal token of appreciation for your loved one. If I'll talk about print material, it's just amazing and fab. The bag which I am carrying is Kolkata No View Sling Bag. It's looking so stylish and it's comfortable to carry. And if you're looking for a bag which will give you comfort with style, then Zook is perfect for you. And also this bag is really very spacious. I can keep all my essentials like comb, lipstick, glares, everything very comfortably in this bag. Really, earlier it was really difficult to find any gift for my loved ones. But now, thanks to Zook, happy Valentine's Day! तो है ना एकदम अमेजिंग बैग और परफेक्ट वैलेंटाइन गिफ्ट फॉर योर मदर, सिस्टर, डॉटर।
Yes, मेरे लिए ना वैलेंटाइन की डेफिनेशन थोड़ी सी अलग है. वैलेंटाइन्स डे इज अ डे ऑफ लव, तो आप जिससे भी प्यार करते हैं उन सबको गिफ्ट दे सकते हैं. और अगर आप परफेक्ट गिफ्ट ढूंढ रहे हैं फॉर वैलेंटाइन्स, तो मुझे लगता है ज़ूक पे आपकी सर्च एकदम एंड हो जाएगी और आप चुन सकते हैं एकदम परफेक्ट गिफ्ट. बहुत सारी वाइड रेंज है ज़ूक की साइट पे, आप चाहे तो सारी रेंज चेकआउट कर सकते हैं. आई होप ये परफेक्ट वैलेंटाइन गिफ्ट आपको जरूर पसंद आएगा. ऐसे लगे आपको सारे रेड के शेड्स. आई होप आपकी रेड लिपस्टिक की तलाश ना इस वीडियो में खत्म हो गई होगी. और आपका करंट फेवरेट कौन सा है मुझे भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं. मुझे तो बहुत मजा आता है रेड लिपस्टिक लगाने में और मेरा एकदम गो टू लुक है लिप्स, रेड लिपस्टिक लगा के कहीं भी जाना. सो आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आया होगा, आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा. अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए ताकि ज्यादा लोगों को हेल्प हो पाए. और मेरे चैनल के वीडियोज आप देख लेते लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. नाउ मी सागरिका साइनिंग ऑफ. हैव अ हैप्पी एंड रेड लिप्स. बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल.